नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। ठंड से बचने का तरीका हो रहा है जानलेवा। रूम हीटर और अंगीठी से सावधान। दम घुटने से 4 दिनों में 7 की मौत, 10 दिन में 66 लोग पहुंचे रिम्स। बंद कमरे में हीटर जलाने से ऑक्सीजन हो जाता है कम, हीटर और अंगीठी से मौत के 2 केस। राजधानी में पिछले सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ठंड से बचने के लिए किए गए प्रयास कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार लोग ठंड से बचने के लिए कमरे को बंद कर रूम हीटर और अंगीठी जला लेते हैं, और आलस और गर्माहट के कारण कई लोग इसे बंद करना भूल जाते हैं, जो मौत का बड़ा कारण बन रहा है। जहां मौतें हुई हैं, वहां देखा गया है कि कमरे में एक भी ऐसा कोना नहीं था जहां से हीटर या अंगीठी का गैस बाहर निकल सके। चूंकि अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो जानलेवा है, इसलिए इसके इस्तेमाल से पूर्व सावधानी जरूरी है। 10 दिनों में रिम्स की ओपीडी में 66 लोग ऐसे पहुंचे हैं जिन्हें रूम हीटर के इस्तेमाल से परेशानी हुई है। यही नहीं, पिछले 4 दिनों में बंद कमरे में हीटर और अंगीठी के इस्तेमाल से 7 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा इसी महीने में 17 दिसंबर को लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की भी मौत का कारण यही पता चल रहा है। रिम्स के एक्सपर्ट चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार रूम को पूरी तरह बंद कर हीटर नहीं जलाना चाहिए। रिम्स रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रिम्स में 66 ऐसे मामले मेडिसिन ओपीडी पहुंचे हैं जिन्हें रूम हीटर के कारण परेशानी हुई थी। मेडिसिन की यूनिट के डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादातर मरीज सांस की समस्या लेकर आए थे, कुछ पहले से दमा की हिस्ट्री वाले, फेफड़े में संक्रमण वाले और अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। मरीजों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हीटर के इस्तेमाल से उन्हें परेशानी हुई है। इसी तरह हजारीबाग में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रूम हीटर जलाकर सोने के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इन सभी की मौत दम घुटने से हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।